ज्योति सिंह ने एक फोटो शेयर करके दे दिया जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर कुछ लोगों ने फालतू न्यूज बनाना शुरू कर दिया था कि पवन सिंह तलाक वापस अभी नहीं लिए हैं और चुनाव बाद पवन सिंह अपने पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ देंगे और पवन सिंह की पत्नी अभी गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है। और इसी तरह कालतू फालतू न्यूज बनाकर किसी ने पवन सिंह के वोटरों को भड़का रहा था। तो फाइनली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अभी अभी अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर किया है पवन सिंह के साथ वाला, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इस फोटो में पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और इससे प्रतीक ये हो रहा है कि ये साथ कभी छूटने वाला नहीं है। और ये फोटो आप लोग देखना चाहते हैं तो ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, पवन सिंह और ज्योति सिंह पूरी तरह से एक हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आलतू फालतू का वीडियो बनाकर भड़का रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने उन लोगों को अपने चुनाव में नहीं बुलाया, इसी वजह से वो लोग भड़का रहे हैं आलतू फालतू का वीडियो बनाकर। हाँ तो दोस्तों, आप सभी को आलतू फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ वो लोग भड़का रहे हैं ताकि पवन सिंह चुनाव हार जाएं, इसीलिए भड़का रहे हैं। उन लोगों को अदर पार्टी से पैसा वैसा मिला होगा, इसी वजह से वो सब भड़का रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।